नमस्कार दोस्तों, एसर ने अपना लैपटॉप लॉन्च कर दिया है, वो भी इंटेल एफएफ 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ अंडर 75,000 के अंदर, जिसका नाम है एसर स्विफ्ट 3। उसी प्राइस टैग के अंदर इंडिया में बहुत सारे लैपटॉप भी आते हैं। तो चलते हैं, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले दो नहीं तीन लैपटॉप को, जो कि आसुस वीवो S15 OLED उसके साथ एसर स्विफ्ट 3 एंड डेल वोस्ट्रो 5620। ये जो तीनों लैपटॉप है, उन तीनों लैपटॉप के अंदर आपको इंटेल एफएफ 12 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं और तीनों ही लैपटॉप आपको अंडर 75,000 में देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन तीनों लैपटॉप को अच्छी तरह से कंपेयर करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आपको अंडर 75,000 के अंदर कौन सा लैपटॉप के साथ जाना सही रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से बगल जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वॉच माय चैनल डिटेकी। लेट्स पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। आसुस वीवो को S15 OLED पे आपको 15.6 इंच का एक OLED एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाएगी फुल HD की। यहां पर आपको स्क्रीन बेजल्स बहुत ही नैरो देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको स्क्रीन ब्राइटनेस की 600 nits एंड HDR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप में आपको 84% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर आपको 100% DCI-P3 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप फोटोशॉप पे काम करते हो या फिर वीडियो एडिटिंग करते हो तो आपके लिए लैपटॉप बहुत ही बढ़िया हो सकता है। उसके बाद इसका जो डिस्प्ले बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर हम बात करें एसर स्विफ्ट 3 के बारे में, यहां पर आपको 14 इंच का एक IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाएगी क्वाड HD की। यहां पर आपको स्क्रीन बेजल्स बहुत ही नैरो देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको स्क्रीन ब्राइटनेस 300 nits एंड 100% sRGB का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। रेजोल्यूशन भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पर अभी आपको फोटो एडिटिंग करते हो या फिर वीडियो एडिटिंग करते हो, ये भी लैपटॉप आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। हालांकि इसका जो डिस्प्ले का साइज है आपको छोटा देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें डेल वोस्ट्रो 5620 के बारे में, यहाँ पर आपको 16 इंच का एक WBA एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाएगी फुल HD की प्लस की। यहां पर भी आपको स्क्रीन बेजल्स बहुत ही नैरो देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको स्क्रीन ब्राइटनेस 250 nits एंड 45% NTSC का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहां पर भी आपको डिस्प्ले बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो Asus Vivo S15 OLED पे आपको एक गर्जियस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, मतलब यहां पर आपको एक OLED पैनल देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Acer Swift 3 के बारे में, वहां पर आपको एक IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Dell Vostro 5620 में, आपको एक WBA डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहां पर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो मुझे पर्सनली Asus Vivo S15 OLED का डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि वहां पर आपको एक OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। उसके बाद वहां पर आपको HDR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहां पर आपको 100% DCI-P3 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर आप फोटो एडिटिंग करते हो या फिर वीडियो एडिटिंग करते हो तो आपके लिए लैपटॉप बहुत ही बढ़िया हो सकता है, क्योंकि इस लैपटॉप में आपको बहुत ही अच्छा कलर्स देखने को मिल जाएगा, बहुत ही नेचुरल कलर्स देखने को मिल जाएगा, जो कि फोटो एडिटिंग के लिए बहुत ही मायने रखता है। अगर हम बात करें Acer Swift 3 के बारे में, यहां पर भी आपको अच्छा कलर्स भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहां पर आपको 100% sRGB का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके लिए यहां पर भी आप फोटो एडिटिंग के लिए ये लैपटॉप के साथ आप जा सकते हो। अगर हम बात करें Dell Vostro 5620 में, अगर हम कंपेयर करें Asus एंड Acer से, उस हिसाब से डेल का जो डिस्प्ले है वो इतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो Asus Vivo S15 डिस्प्ले के मामले में एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप निकल कर आता है, उसके बाद Acer Swift 3, उसके बाद डेल वोस्ट्रो 5620। ये डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तीनों लैपटॉप थिन लाइट वेट एंड वेरी स्टाइलिश डिजाइन के साथ मिल जाता है। Asus Vivo S15 OLED आपको एक मेटालिक बॉडी डिजाइन के साथ देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको वेट मिल जाता है 1.8 kg की। अगर हम बात करें Acer Swift 3 के बारे में, वहां पर आपको एक मेटालिक बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको वेट मिल जाता है 1.25 kg की। अगर हम बात करें Dell Vostro 5620 के बारे में, वहां पर आपको प्रीमियम एल्यूमिनियम बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको वेट मिल जाता है 1.9 kg की। तो यहां पर देखें तो तीनों लैपटॉप देखने के लिए बहुत ही शानदार देखने को मिल जाता है। तीनों लैपटॉप में आपको एक प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Acer Swift 3 के बारे में, वो उसका जो वेट है बहुत ही लाइट वेट देखने को मिल जाता है, जो कि 1.25 kg की। अगर हम बात करें Dell Vostro 5620 से एंड Asus Vivo S15 OLED से, तो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो तीनों लैपटॉप बहुत ही शानदार देखने को मिल जाता है। बट Acer Swift 3 का डिजाइन मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि उसका जो वेट बहुत ही कम वेट देखने को मिल जाता है। सो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में Acer Swift 3 एक बेहतर लैपटॉप निकल कर आता है। उसके बाद
Asus Vivo S15 OLED, उसके बाद Dell Vostro 5620। तो प्रोसेसर के बारे में, Asus Vivo S15 OLED पे आपको Intel F12 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसका वेरिएंट है 12500। वहां पर आपको 12 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें Acer Swift 3 के बारे में, वहां पर आपको Intel F12 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, बट इसका वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है 12400P। वहां पर आपको 12 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Dell Vostro 5620 के बारे में, वहां पर आपको Intel F12 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहां पर आपको प्रोसेसर वेरिएंट देखने को मिल जाता है 12400P। वहां पर आपको 12 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाता है। इस प्रोसेसर के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर इस प्रोसेसर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं कार्ड पे लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो ओवरऑल यहां पर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो जो 12500 रेंज प्रोसेसर है वो थोड़ा पावरफुल प्रोसेसर निकल कर आता है, अगर हम कंपेयर करें 12400P प्रोसेसर के साथ। तो यहां पर देखें तो ये जो दोनों प्रोसेसर है 12500 एंड 12400P, ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर के साथ आप हैवी टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग आप आराम से कर पाओगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ओवरऑल यहां पर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो Asus Vivo S15 OLED एक बेहतर लैपटॉप निकल कर आता है, क्योंकि वहां पर आपको 12500 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। उसके बाद Dell Vostro 5620 एंड Acer Swift 3 दोनों लैपटॉप लगभग एक जैसे हैं। GPU के बारे में, तीनों लैपटॉप में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने को नहीं मिलता है, तीनों लैपटॉप में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जो कि Intel Iris Xe ग्राफिक्स। ये जो ग्राफिक्स है मतलब बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स है। इस ग्राफिक्स के साथ आप मतलब GTA 5 जैसे गेम आप मीडियम से लोअर सेटिंग पर आप खेल पाओगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो GPU के मामले में तीनों लैपटॉप लगभग एक जैसे हैं। RAM के बारे में, Asus Vivo S15 OLED पर आपको 16GB का DDR4 हाई फ्रिक्वेंसी RAM देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको RAM फ्रिक्वेंसी मिल जाता है 3200 MHz की। अगर हम बात करें Acer Swift 3 के बारे में, वहां पर आपको 16GB का LPDDR4X का RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको RAM फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा 4267 MHz की। अगर हम बात करें Dell Vostro 5620 के बारे में, वहां पर आपको 16GB का DDR4 RAM देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको RAM फ्रिक्वेंसी मिल जाता है 3200 MHz की। तीनों लैपटॉप में आपको एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलता है स्टोरेज एक्सपेंशन करने के लिए, बट Asus Vivo S15 OLED एंड Dell Vostro 5620 पर आपको दो स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एक स्लॉट फिक्स्ड मिलेगा और जो दूसरा स्लॉट होता है उसको आप एक्सपेंड कर पाओगे। कितना जीबी तक एक्सपेंड कर पाओगे उसके रिगार्डिंग अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम बात करें Acer Swift 3 के बारे में, वहां पर आपको RAM फिक्स्ड मिलेगा, वहां पर आप RAM एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। जो आपको 16GB मिलेगा वहीं पे आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर RAM के बारे में बात करें तो Acer Swift 3 पे आपको बेहतर RAM देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहां पर आपको एक अच्छा फ्रीक्वेंसी वाला RAM देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Dell Vostro 5620 एंड Asus Vivo S15 OLED के बारे में, वहां पर आपको RAM एक्सपेंड करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, बट Acer Swift 3 पे आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको मतलब RAM एक्सपेंड के लिए ऑप्शन वाला लैपटॉप चाहिए या फिर आपको हाई फ्रीक्वेंसी वाला RAM चाहिए, तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो। स्टोरेज के बारे में, तीनों लैपटॉप में आपको 512GB का PCIe NVMe SSD देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही फास्ट है। उसके बाद Asus Vivo के S15 OLED एंड Acer Swift 3 पे आपको एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलेगा स्टोरेज एक्सपेंशन करने के लिए। अगर आप स्टोरेज एक्सपेंशन करना चाहते हो तो आप उसी एग्जिस्टिंग SSD को रिप्लेस करवा के 1TB SSD तक एक्सपेंड कर सकते हो। अगर हम बात करें Dell Vostro 5620 के बारे में, यहां पर आपको एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाएगा स्टोरेज एक्सपेंशन करने के लिए। तो ओवरऑल यहां पर स्टोरेज के बारे में बात करें तो Dell Vostro 5620 स्टोरेज के मामले में एक बेहतर लैपटॉप निकल कर आता है, क्योंकि वहां पर आपको एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है स्टोरेज एक्सपेंशन करने के लिए। बैटरी के बारे में, Asus Vivo S15 OLED पर आपको 3 सेल की 70Wh का बैटरी देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको 9W का टाइप सी पावर एडाप्टर देखने को मिल जाएगा, वहां पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें Acer Swift 3 के बारे में, यहां पर आपको 3 सेल की 56Wh का बैटरी देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको 65W का टाइप सी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Dell Vostro 5620 के बारे में, वहां पर आपको 4 सेल की 54Wh का बैटरी देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको 65W का पावर एडाप्टर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर देखें तो Asus Vivo S15 OLED पर आपको एक बेहतर बैटरी देखने को मिल जाता है, उसके अलावा यहां पर आपको एक OLED पैनल भी देखने को मिल जाता है। इसके कारण यहां पर जो बैटरी परफॉर्मेंस आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें Dell Vostro 5620 के बारे में, यहां पर कंपनी का दावा है कि यहां पर आप मॉडरेट यूजर्स पे 7 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है।
है। अगर हम बात करें एसर स्विफ्ट 3 के बारे में, यहाँ पर भी कंपनी का दावा है कि यहाँ पर आपको 8 to 10 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल यहाँ पर बैटरी के बारे में बात करें तो Asus View S15 OLED बैटरी के मामले में एक बेहतर लैपटॉप निकल कर आता है, उसके बाद एसर स्विफ्ट 3 एंड उसके बाद डेल वोस्ट्रो 5620। पोर्ट्स के बारे में, तीनों लैपटॉप में आपको सारे तरह के पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। Asus View S15 OLED एंड एसर स्विफ्ट 3 पे आपको SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, पर डेल वोस्ट्रो 5620 पे आपको SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। सो पोर्ट्स के मामले में डेल वोस्ट्रो 5620 एक बेहतर लैपटॉप निकल कर आता है। सॉफ्टवेयर के बारे में, तीनों लैपटॉप में आपको विंडोज 11 होम एडिशन फ्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा, उसके साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टूडेंट 2021 वर्जन फ्री देखने को मिल जाएगा। सो सॉफ्टवेयर के मामले में तीनों लैपटॉप लगभग एक जैसे हैं। एक कीबोर्ड के बारे में, तीनों लैपटॉप में आपको चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। Asus View S15 OLED एंड Dell Vostro 5620 पर आपको फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, उसके साथ यहाँ पर आपको बैकलिट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Acer Swift 3 के बारे में, यहाँ पर आपको चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, उसके साथ भी आपको बैकलिट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर हम कीबोर्ड के बारे में बात करें, Asus View S15 OLED एंड Dell Vostro 5620 पर आपको फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, बट Acer Swift 3 पर आपको एक चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। सो कीबोर्ड के मामले में Asus View S15 OLED एंड Dell Vostro 5620 एक बेहतर लैपटॉप निकल कर आता है, उसके बाद Acer Swift 3। वेबकैम के बारे में, Asus View S15 OLED पे आपको HD वेबकैम देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको प्राइवेट सेटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Acer Swift 3 के बारे में, यहां पर आपको फुल HD वेबकैम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको प्राइवेसी सेटर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करें Dell Vostro 5620 के बारे में, वहां पर आपको फुल HD प्लस का वेबकैम देखने को मिल जाता है, वहां पर आपको प्राइवेसी सेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहां पर वेबकैम के बारे में बात करें तो Dell Vostro 5620 एंड Asus View S15 OLED पर आपको प्राइवेसी सेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट Acer Swift 3 पर आपको प्राइवेसी सेटर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। सो वेबकैम के मामले में Dell Vostro 5620 एक बेहतर लैपटॉप निकल कर आता है, उसके बाद Asus View S15 OLED, उसके बाद Acer Swift 3। फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, तीनों लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो फिंगरप्रिंट सेंसर ऑप्शन के मामले में तीनों लैपटॉप लगभग एक जैसे हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में, Asus View S15 OLED पर आपको Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Acer Swift 3 के बारे में, वहां पर आपको Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Dell Vostro 5620 के बारे में, वहां पर आपको Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहां पर देखें तो तीनों लैपटॉप में आपको लेटेस्ट वर्जन का Wi-Fi एंड Bluetooth सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट Acer Swift 3 पर आपको एक बेहतर Wi-Fi का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो वायरलेस कनेक्टिविटी के मामले में Acer Swift 3 एक बेहतर लैपटॉप निकल कर आता है, उसके बाद Dell Vostro 5620 एंड Asus View S15 OLED लगभग वायरलेस कनेक्टिविटी के मामले में लगभग एक जैसे हैं। स्पीकर्स के बारे में, Asus View S15 OLED पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आपको DTS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Acer Swift 3 के बारे में, यहां पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें Dell Vostro 5620 के बारे में, यहां पर आपको 2 watt का 2 stereo स्पीकर्स देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहां पर स्पीकर्स के बारे में बात करें तो Asus View S15 OLED पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, उसके अलावा यहां पर आपको DTS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, इसके कारण यहां पर जो साउंड आउटपुट होगा बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल यहां पर स्पीकर्स के बारे में बात करें तो Asus View S15 OLED स्पीकर्स के मामले में एक बेहतर लैपटॉप निकल कर आता है, उसके बाद Dell Vostro 5620 एंड उसके बाद Acer Swift 3। अब लास्ट में फाइनली प्राइस के बारे में जान लेते हैं। Asus View S15 OLED आपको 74,999 पे मिल जाएगा Amazon के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर हम बात करें Acer Swift 3 के बारे में, ये भी आपको 74,999 पे मिल जाएगा Amazon के वेबसाइट पे एंड Acer के ऑफिशियल के वेबसाइट पे। अगर हम बात करें Dell Vostro 5620 के बारे में, ये आपको मिल जाएगा 70,200 पे Dell के वेबसाइट पे। तो ओवरऑल यहाँ पर प्राइस के बारे में बात करें तो Dell Vostro 5620 प्राइस के मामले में एक क्लियर कट विनर निकल कर आता है। सो प्राइस के मामले में Dell Vostro 5620 एक बेहतर लैपटॉप निकल कर आता है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Asus View S15 OLED, उसके बाद Acer Swift 3, उसके साथ Dell Vostro 5620। अब जान लेते हैं तीनों प्रोसेसर के प्रोज एंड कंस के बारे में। पहले जान लेते हैं Asus View S15 OLED के प्रोज के बारे में। पहले तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले बहुत ही शानदार देखने को मिल जाता है, डिजाइन बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, फास्ट SSD भी देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको बैकलिट कीबोर्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, प्राइवेसी शटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर जो प्राइस आपको मिलता है बहुत ही शानदार देखने को
मिल जाता है। अगर इस लैपटॉप के कर्म्स के बारे में बात करें, इस लैपटॉप में आपको एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलता है स्टोरेज एक्सपेंशन करने के लिए। अगर हम बात करें Acer Swift 3 के प्रोस के बारे में, पहले तो यहाँ पर आपको अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, डिजाइन बहुत प्रीमियम देखने को मिल जाता है, लैपटॉप बहुत ही लाइट वेट है, प्रोसेसर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर SSD देखने को मिल जाता है, रैम यहाँ पर आपको हाई फ्रिक्वेंसी वाला देखने को मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, एंड वाईफाई 6E एंड ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको फुल HD वेबकैम देखने को मिल जाता है। अगर हम इस लैपटॉप के कॉन्स के बारे में बात करें, पहले तो यहाँ पर आपको रैम फिक्स्ड मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी सेटर का ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता है, उसके बाद SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को नहीं मिलता है, एंड यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलता है स्टोरेज एक्सपेंशन करने के लिए, एंड इसका जो प्राइस आपको देखने को मिल जाता है थोड़ा आपको हायर साइड में देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं डेल बोस्टो 5620 के प्रोस के बारे में। पहले तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले अच्छा देखने को मिल जाता है, डिजाइन अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर SSD देखने को मिल जाता है, रैम भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, SD कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको बैकलिट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको फुल HD प्लस का वेबकैम भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है स्टोरेज एक्सपेंशन करने के लिए। अगर इस लैपटॉप के कॉन्स के बारे में बात करें, पहले तो यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन तीनों लैपटॉप के अंदर कौन सा बेहतर लैपटॉप है, मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है 75,000 तो आप आग बंद करके Asus Vivo S15 OLED के साथ जा सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको एक अच्छा डिस्प्ले मतलब OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, उसके बाद जो डिस्प्ले में ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेसर मिलता है बहुत ही धासु देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको फास्टर SSD भी देखने को मिल जाता है, एंड सब कुछ मतलब यहाँ पर आपको MS Office 3 भी देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, एंड आपको वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका बजट है 75,000 तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा Asus Vivo S15 OLED। उसके बाद जो लैपटॉप के साथ आप जा सकते हो वो है Acer Swift 3, क्योंकि उसका जो डिजाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एंड ये जो लैपटॉप है बहुत ही लाइट वेट है, लगभग 1.25 kg। इसके साथ यहाँ पर जो आपको RAM मिलता है बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ पर आपको अच्छा डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको सारे चीज बहुत ही सही देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो लैपटॉप के साथ आप जा सकते हो वो है डेल बोस्टो 5620। अगर आपको एक बड़ा स्क्रीन चाहिए एंड आपको डेल के ब्रांड के साथ भी चाहिए तो आप डेल बोस्टो 5620 के साथ आप जा सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, इसका डिस्प्ले भी अच्छा देखने को मिल जाता है, इसका डिजाइन भी अच्छा देखने को मिल जाता है, यहाँ पर जो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन, आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन पर मुझे बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा लैपटॉप के लिए इंटरेस्टेड हो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। तो चलते हैं वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से पहले जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।